दोस्तों, इंडिया में आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 72nd रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज हम बात करेंगे रियलमी XT के न्यू अपडेट के बारे में, जो कि जनवरी मंथ का अपडेट है। तो 2 वीक्स पहले इस डिवाइस के लिए C.09 का एक न्यू अपडेट रोल आउट हुआ था। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस उस अपडेट में इंक्लूड नहीं थे, ओनली जो वोल्टेज से रिलेटेड बग था उसी को फिक्स किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी रियलमी XT के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होगा। एंड फाइनली दोस्तों, जनवरी मंथ का जो अपडेट है, जिसका कि वर्जन आप देख सकते हैं, C.10 का आपको मिल जाता है। 372 MB अपडेट का साइज है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रियलमी XT के जनवरी मंथ के अपडेट के बारे में बात करेंगे। अपडेट के बाद डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस आपको मिल जाते हैं, जिन यूजर्स को उनके डिवाइस में ये अपडेट नहीं मिला है, सबको ये अपडेट कब तक मिलेगा। साथ में हम बात करेंगे रियलमी XT डिवाइस के रियलमी UI 2.0 के अपडेट के बारे में, कि वो अपडेट फाइनली XT डिवाइस के लिए कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि रियलमी XT डिवाइस में कोई भी अपडेट आए उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करी जाए रियलमी XT के न्यू अपडेट के बारे में, तो लास्ट अपडेट था C.09 का, जो कि 2 वीक्स पहले ही इंडिया में रोल आउट किया गया था। उस अपडेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, ओनली वोल्टेज से रिलेटेड एक बग था उसी को फिक्स किया गया था। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जल्दी जनवरी का अपडेट भी रोल आउट होगा, जिसमें कि लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको रोल आउट किया जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों, एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट का फुल वर्जन आप देख सकते हैं, RMX1921_11_C.10 का ये अपडेट आपको मिलता है। 372 MB अपडेट का साइज है। और ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड रैंडम यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए इंडिया में रोल आउट किया गया है। अगर आपके डिवाइस में अभी तक ये अपडेट आपको नहीं मिला है, तो 5 to 6 days का आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा, जल्दी आपको ये OTA अपडेट मिल जाएगा। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी Realme के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगी। अभी के लिए आप देख सकते हैं C.10 जो लेटेस्ट अपडेट है, उसकी डाउनलोड लिंक्स अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 1-2 दिन में उसकी भी डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल हो जाएगी, तो यहाँ से भी आप अपने डिवाइस में डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस अपडेट के चेंजेस के बारे में, तो इसका जो चेंज लॉग है वो आप देख सकते हैं। लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है, इस साल का लेटेस्ट आपको मिलता है January 2021 का, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक नया फीचर ऐड किया गया है सेटिंग्स में, शॉर्टकट ऐड किया गया है। अगर आपके स्मार्टफोन में आप फ्लैश लाइट को ऑन कर देते हैं, जैसे कि मैं ऑन कर देता हूँ अभी दोस्तों, जो साइड का पावर बटन है उसको अगर आप 2 बारी प्रेस करेंगे, तो उसी से अभी आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑन किया, अभी आप देख सकते हैं साइड का जो पावर बटन है उसको प्रेस करता हूँ एंड ये ऑफ हो चुकी है। तो ऐसे ही दोस्तों, नया शॉर्टकट यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है, पहले Xiaomi के डिवाइसेस में आपको मिलता था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो आपके सिस्टम एप्लीकेशंस है उसमें कुछ बग्स थे, उन्हें भी फिक्स किया गया है। फिक्स किया गया द इशू डेट द 2 कैंसिल बटन अपीयर्स व्हेन द इनपुट बॉक्स इज क्लिक्ड मल्टीपल टाइम्स इन द वेदर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, वेदर एप्लीकेशन में अगर आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी इनपुट करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं एक कैंसिल बटन आपको मिलता है। कई बार यहाँ पर 2 कैंसिल बटन आपको शो करते थे, तो ये भी एक बग था, बताया गया कि इसे फिक्स किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फिक्स किया गया है द इश्यू ऑफ एबनॉर्मल सिस्टम परमिशन एक्विजिशन व्हेन द रेडियो इज टर्न ऑन। तो दोस्तों, जब आप रेडियो एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, तो कई बार एबनॉर्मल परमिशंस आपको शो करती है, फालतू परमिशंस कई बारी बार बार आपको शो करती है, तो ये भी बग था, फाइनली इसे भी फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ से रिलेटेड बग था, फिक्स किया गया है। प्रोबेबिलिस्टिक इश्यू ऑफ फेलियर टू ओपन ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पर जैसे ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, और यहाँ पर अगर आप स्कैन करते हैं नया डिवाइस कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ के साथ, तो यहाँ पर स्कैनिंग में इशू था, कई बारी जो डिवाइस है वो आपको शो नहीं करता था, फाइनली इसे भी फिक्स कर दिया गया। अगर आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम थी, तो इसे फिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फोटोज़ के अंदर आप देख सकते हैं फिक्स किया गया है। अगर आप यहाँ पर HDR वीडियोस को प्ले करते हैं, तो कई बारी एरर आ जाता है, तो इसे फिक्स कर दिया गया। जो आपकी फ़ोटो एप्लीकेशन है, इसमें आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होती हैं, तो इसमें बग था, इसे ही फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अलार्म से रिलेटेड इशू था। अगर आप नया अलार्म एंटर करते हैं, नया अलार्म सेट करते हैं, तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती थी कई बारी। अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम थी ये, तो अभी फिक्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वही लास्ट अपडेट वाला, बस एक ही पॉइंट था लास्ट अपडेट में, कि वोल्टेज से रिलेटेड एक बग था, उसे फिक्स किया गया है। तो दोस्तों, जब आप सेटिंग्स में सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा के अंदर वोल्टेज को रजिस्टर करते हैं, तो कई बारी आपका रजिस्टर नहीं होता था, तो ये भी बग था, फाइनली इसे फिक्स कर दिया गया है।
लेटेस्ट आपको इस अपडेट में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है एंड फ्लैश लाइट का एक नया शॉर्टकट ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट अपडेट के बग्स थे उन्हीं को फिक्स किया गया है, ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियलमी यूआई 2.0 के बारे में तो आप देख सकते हैं जो बीटा अर्ली एक्सेस का फॉर्म है, रोड मैप है, उसमें आप देख सकते हैं Q2 2021 में रियलमी XT का नेम यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, यानी अप्रैल मई जून के मंथ में ये अपडेट आपको मिलेगा रियलमी XT के लिए। एंड वो भी स्टेबल अपडेट नहीं है, आप ये मत बिल्कुल भी सोचना कि Q2 में सबको स्टेबल अपडेट में ये अपडेट मिलेगा, ओनली जो सिलेक्ट होंगे बीटा में अप्लाई करेंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हीं को अपडेट मिलेगा। एंड फिर दोस्तों जुलाई या फिर अगस्त के मंथ तक सभी को स्टेबल अपडेट रोल आउट होगा। तो पहले बीटा टेस्टिंग होगी अप्रैल मई के मंथ के आसपास, उसके बाद दोस्तों 2 महीने के बाद सभी को स्टेबल अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो ये अपडेट था, इसका जो फुल रिव्यू है कैमरा टेस्टिंग है एंड जो गेमिंग रिव्यू है, N22 बेंचमार्क स्कोर है, बाकी जो टेस्ट है तो वो वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगी, तो उसका आप वेट कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके डिवाइस में ये अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।